नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज चैनल में पंकज कुमार कर्ण। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनमत पार्टी के अनिमिका पासवान से। सबसे पहले तो इनको धन्यवाद देते हैं HBN न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे बात करते हैं, इस बार जो कल्याणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर लड़ना चाह रहे हैं? जी देखिए, यहाँ का जो मुद्दा है, जो ज़मीनी मुद्दा है, वो देखकर दर्द होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कल्याणपुर विधानसभा में 4 से 5 पंचायत पूर्णतः बाढ़ प्रभावित है। यहाँ इस बार दोबारा भी बाढ़ आया और हर वर्ष आती है, लेकिन यहाँ के जितने भी प्रशासनिक और शासनिक अंग हैं, वह इन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। जितने भी पुनर्वास के पैसे आते हैं, वो जनता तक पहुँचते नहीं हैं। नल जल योजना उसी तरह की बेहाली में है। फिर आपका, आप चले जाइए आवास योजना में, जनता त्रस्त है। शौचालय योजना में घोटाले हो रहे हैं, और यहाँ के जो विधायक हैं, वो सत्ता में विलुप्त हो चुके हैं, वो खो चुके हैं सत्ता के गलियारों में। वो भूल जाते हैं कि जनता बहुत ही एक आशा और उम्मीद के साथ किसी भी नेता को देखती है, आशा की नज़र से देखती है कि वो हमारे दुख दर्द को समझेंगे। लेकिन यहाँ से जीतने वाले विधायक मंत्री बन जाते हैं, वो अपने संपत्ति के अर्जन में लग जाते हैं, लेकिन वो जनता की तरफ मुड़कर वापस 5 साल नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जनता आज इतनी परेशान है कि वो किसी भी नेता को देखने के लिए नहीं तैयार है। और हम लोगों ने जनता को कह दिया कि आप मुझे नेता नहीं, बहन और बेटी की नज़र से देखिए, और मैं उसी प्रकार सेवा करूंगी। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे जनता का अपार प्यार समर्थन मिलता है, और मैंने ये मन बनाया है कि मैं भारतीय संविधान के द्वारा जो विधायक का पद सृजन किया गया था, ताकि वह प्रशासन पर लगाम लगा सके और जनता का जन सेवा, जन जागरूक कर सके, मैं वही काम करने के लिए आई हूँ, जनता को जगाने आई हूँ, ताकि जनता जाग सके और इस लोकतंत्र में अपनी एक वोट का ताकत पहचान सके। इस बार तो आपके सामने कल्याणपुर से महेश्वर हजारी भी हैं, वो कैसे आप उनको चुनौती देंगे? उनको चुनौती देने मैं क्या दूंगी, उनको चुनौती जनता देगी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत राज कर लिया। वो कभी पार्टी बदल लेते हैं, कभी गठबंधन बदल लेते हैं, कभी उन्हीं के परिवार के प्रत्याशी बदल जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने लगभग 40 वर्षों से कब्जा जमा रखा है, और जनता अब जाग चुकी है। वो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन इस बार जनता जो वोट करेगी, वह जाति, पार्टी और गठबंधन की धारा को तोड़कर एक तीसरी धारा पैदा करेगी, जो जनता की धारा होगी, और जनता उन्हें जवाब देगी कि इस बार जनतंत्र और लोकतंत्र का फैसला क्या होगा। आपको क्या लग रहा है कि कल्याणपुर विधानसभा में विकास हुई है या नहीं? उस पर जनता त्राही माम है। यहाँ कोई भी भारत सरकार और बिहार सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी है। यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंगें बन गई, वहाँ पे घोटाले हुए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स बने हैं, लेकिन वहाँ ना डॉक्टर है ना दवाइयाँ, जनता परेशान है। और जनता को क्या चाहिए? यहाँ पे रोजगारी के जितने भी साधन थे, वो जितने भी मिले थे, यहाँ पे अशोक पेपर मिल हो, जूट मिल हो, चीनी मिल हो, सभी तो बंद हो, रोजगार के कोई साधन नहीं है। यहाँ के लोग लगभग 70-80% पलायन कर जाते हैं रोजगार के लिए, और घर में महिलाएं और बच्चे रह जाते हैं, जिन्हें दुख के अलावा कुछ यहाँ पे हासिल नहीं होता, उनकी खेती बाड़ी डूब जाती है। एक विधायक और जनप्रतिनिधि का यह फर्ज होता है कि उसकी जनता किस बदहाली में जी रही है, उनकी समस्या कहाँ तक हम सुलझा सकते हैं, इस पर रहना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य है यह कल्याणपुर का कि यहाँ के जो भी विधायक बनते हैं, वह जीत कर जाने के बाद जनता का दुख दर्द समझने नहीं आते, दुर्भाग्य है। अगर आप जीतते हैं कल्याणपुर से, तो जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश क्या दूंगी, मैं तो वादा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूंगी कि जो कल्याणपुर की धरती है, समस्तीपुर की धरती है, तो मैं वहाँ पे दो चीज़ करने आई हूँ कि यह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जमीन है, जिन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना की थी, तो मैं भी सपना लेकर आई हूँ कि अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद इस जिले में किसी का नाम आए जनसेवा में, तो वह मेरा नाम हो, यही मेरा सपना है।
और मैं बिहार में एक उदाहरण पेश करूं कि एक विधायक को कैसा होना चाहिए, उनके कर्तव्य और अधिकार क्या है और उन्हें किस प्रकार जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और किस प्रकार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पटना के बिहार विधानसभा में पुरजोर तरीके से रखना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। इस बार आपकी पार्टी कितने सीट पर लड़ रही है? जी, हमारी पार्टी लगभग 20 सीटों पर लड़ रही है और चूंकि हमारी यह शुरुआत है और मैं चाहती हूं कि इस शुरुआत के साथ भी एक आगाज़ हो और बिहार में एक नए राजनीति का जन्म हो, ये पब्लिक की भी डिमांड है, हमारी नहीं, पब्लिक के कहने पर ही आम जनमत पार्टी का निर्माण हुआ है और पब्लिक इसे आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।